अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेखदे हो पे यूट्यूब चैनल ते मैं आसन चौधरी। अज दे विलाग विच तुहानूं सारिआं नूं खुश आमदीद कहना। ओह दरवाजा बंद कर दे। अज थोड़ी तबीयत खराब है, गला सुबह बिल्कुल बंद आ, आवाज़ नहीं निकलदी पी। इस वजह तो जिहड़ा ओह विलाग नहीं बनाया है भी, ते क्योंकि तुहाडे नाल वादा कीता आ कि कल दे विलाग विच जिहड़ा तुसी पिछला विलाग वेख्या उहदे विच तुहानूं दस्सिया आ कि मैं जिहड़ा ओह कोर्ट ते थाने दे मामलात ते उहनां विच जिहड़ा ओह थोड़ा बिजी आ, ते ओह दस्सिया आ कि मसला की आ, कि मामला आ ओह तुहानूं दस्सणा आ। ते इस वजह तो मैं समझिया कि थोड़ा जिहा गला बेहतर होया ते मैं जिहड़ा ओह विलाग बना लां ताकि तुहानूं पता लग जाए कि वह के मसला आ। तो वीडियो शुरू करन तो पहले मेरी अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों नूं जिन्होंने अजे तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर लो ताकि साड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं मिलता रहे। हाँ जी, तो गल दरअसल आई क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं तकरीबन पता ही है कि मेरा एक तो एक बिजनेस है, शॉप है, दूसरा नाल असी गड्डियां दा जिहड़ा ओह लैन देन दा भी काम करने आ चौधरी कार पॉइंट दे नां तों, ते ओह गड्डी भी अक्सर जिहड़ा ओह विलाग मेरे च भी तुहानूं पता लगदा रहिंदा कि गड्डी असी लैन जांदे आ, लै के आउंदे आ सारा। ते पिछले कुछ 6-7 महीने पहले मैं एक गड्डी लियांदी आई काफ़ी दूर दे एरिए चों, ते ओह गड्डी अगे मैं सेल कर दी है, तो जिस टाइम सेल की है तो गड्डी किरे जाके चैक हुई है, तो वो उत्ते एक कोई केस निकलिया है पुराना पिछले घर का ही, वह केस दे विच किसे मुलवस है गड्डी, तो उन्हों क्लीयर कराने वास्ते और जाहिर है फिर इत्थे इस थाने च फड़न हुई है, तो वह इत्थों जिहड़ा उहदी सपुरदारी वगैरह करवानी है। तो वह एक दिन जिहड़ा ओह गया ते ओह जाई साहब ने डेट दे छड़ी, अगू हफ्ता एतवार आ गया आ, ते ओह दो छुट्टियां पै गईयां विच सोमवार वाले दिन जिहड़ा ओह जिहड़ा जाके ते उत्थों शाम तक कोर्ट दे आर्डर ले ने जाई साहब ने जिहड़ा ओह साइन करके दित्ते ने, ते जाके थाने रिपोर्ट कीती है, ते अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा ओह गड्डी क्लीयर हो गई है, ते ओह गड्डी लै आए हैं असीं, थाने वाला मामला भी जिहड़ा हल हो गया। दूसरा जिहड़ा उहदे ते पहले केस आ ओह तुहानूं दसदा ओह को ओह दो पार्टियां दा आपस च लैण देण दा मसला आ, उहदी वजह तों उहनां मतलब ओह गड्डी भी तनाज़े दे विच पाई है या मतलब गड्डी गरंटी दे तौर ते या जिस तरह भी है गड्डी जिहड़ा ओह मतलब विच इनवॉल्व है। ते ओह जनाब ओह मैं पिछलिया मालकां नाल राबता कीता है, ते अलहमदुलिल्लाह उन्होंने भी जिहड़ा उत्थों क्लीयर करा के ओह मैनूं रसीद भेज छड़ी है, ते ओह जिहड़े थाने च उहदा रिकॉर्ड उन्हां खत्म करा के ते ओह भेज दित्ता है। ते इह सारी गल्लबात तुहानूं दस्सण दा मकसद इह है कि कोई भी बंदा अगर तुहाडे विच्चों वी गड्डी आपणे वास्ते खरीददा है या कोई बंदा कम करदा पिया ते जिहड़ा ओह गड्डी दी छानबीन जिहड़ा ओह पूरी कर लिया करो, क्योंकि एहदे विच भी मन्नू अजे तक भी इलम नहीं है आ कि क्योंकि गड्डी मैं अपने ना कराई है उहदे विच जिहड़ा कोई मसला नहीं है आ, काफ़ी अरसा मैं गड्डी रखी है ते ओह अपने घर दे इस्तेमाल विच रखी है गड्डी, ते ओह गड्डी दे विच कोई मसला नहीं है आ, ते ओह मैनू भी जिस टाइम वो नाके ते डकन होई है मैनू अगलिया नव्या मालकां दी कॉल आई है, ते मैनू भी जाहिर एक बारी झुझका लग गया कि गड्डी क्लीयर है ते ये के गल करदे ने पे, ते अलहमदुलिल्लाह वह सारा मामला क्लीयर हो गया। ते तुहाडे वास्ते जिहड़ा वह नसीहत है कि कोई भी बंदा अगर कोई गड्डी खरीददा है ते उहदी जिहड़ा वह सारी छानबीन कर लिया करो, ऐपां आईयां ने काफ़ी जिहड़ा तुहाडियां पंजाब गवर्नमेंट दियां उहदे ते तुसीं चैक कर सकते हो इस गड्डी ते कोई पहले केस वगैरह कोई किसी किस्म की वारदात च मुलवस ते नहीं है भी, ते वह अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा वह तुहानूं पता लग जांदा है उहदे तों। ते अज दे व्लॉग विच सिर्फ जिहड़ा वह तुहानूं मेरे जिहड़ा वह
ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਗਲਾ ਸੁਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਬਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸੁਬਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।